अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे किचन में बन रहा है थाई लोडेड राइस, जिसमें चिकन होता है, स्पैगेटी होती है, बॉयल्ड राइस होते हैं, और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कैसे बने। सबसे पहले हमने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लेना है, और इसमें 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया मैंने, जो छोटा छोटा जिसको कट किया मैंने क्यूब्स में, और इसको तब तक पकाना जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। आपने सारे स्टेप्स ऐसे ही फॉलो करने हैं, तभी बड़े मज़े की रेसिपी बनेगी। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने गार्लिक पेस्ट लिया, और इसको 2 मिनट तक पकाएंगे, और उसके बाद फिर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। आप जब ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करके बनाएंगे तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का हमारी थाई राइस बनेंगे, और आप रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे, और आप ऐसे ही बनाएंगे घर पे इजीली। अब 3 मीडियम साइज़ के यहाँ पर मैंने टोमेटोज लिए, और इसको गोल गोल कट कर लिया था। उसको ढक के हमने तब तक पकाने हैं जब तक कि चिकन और हमारे जो टोमेटोज़ हैं वो गल ना जाए। अब इसके बाद जब वो गल जाए तो हमने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालना है, और 2 टेबल स्पून सोया सॉस। बाद में ऐड करी हूँ 1 टेबल स्पून वर्स्टरशायर सॉस, और 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, और 3 टेबल स्पून ही हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। अब इसको हमने 2 मिनट तक इसको पकाना है, और उसके बाद फ्लेम बंद कर देना है, और हमारा ये चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे वेजिटेबल्स की तैयारी। तो वेजिटेबल्स के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून हमें सिर्फ ऑयल चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ इसको सोते करना है, तो ज़्यादा ऑयल हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। 1 कप कैबेज चाहिएगी, 1 कप कैप्सिकम, 1 कप कैरेट। इन सबको मैंने जुलियन कट किया हुआ है, लंबा लंबा हमने इनको काट लेना है। उसके बाद हमने अपनी वेजिटेबल्स को हाई फ्लेम पे आग तेज़ करके 2 मिनट तक पकाना है, और 1/4 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, और 1/4 टीस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, और उसके बाद सिर्फ 1 मिनट तक इसको पकाएंगे, और हमारे वेजिटेबल्स रेडी हो जाएंगे। इसको हम साइड पर रखेंगे, और अब हम करेंगे सिम्बलिंग। सिम्बलिंग के लिए मैंने बॉयल राइस डाले हैं। सबसे पहले सिंपल बॉयल राइस हैं, जैसे हम बॉयल करते हैं राइस, सॉल्ट डाल के, ऑयल डाल के, और विनेगर डाल के। उसके बाद स्पैगेटी बॉयल है, ये भी सिंपल जैसे बॉयल होती है ऑयल और सॉल्ट डाल के वैसे। और बॉयल्ड एग्स मैंने इसको गोल गोल इधर काट लिया, और उनको मैंने सेट कर लिया। उसके बाद जी यहाँ पे जाएंगे हमारे वेजिटेबल्स। नूडल्स के ऊपर हम डालेंगे अपने वेजिटेबल्स, और इसको हम सेट कर लेंगे सही तरह। उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियंस को मैंने चॉप कर लिया है, और उसके बाद चॉप करके वेजिटेबल्स के ऊपर डाल रही हूँ। उसके बाद हमारे बारी आएगी कुक्ड, जो हमारा चिकन है, जो हमने चिकन पकाया था वो हम डालेंगे, उसको अच्छी तरह फैला लेंगे। उसके बाद हम डाल रहे हैं फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज के बाद बारी आएगी मेयोनीज़ की। मेयोनीज़ लगाएंगे हम इसके ऊपर, और हमारा जो हमारे जो थाई राइस हैं वो रेडी हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसी बनी है, और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।